इतिहास में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्ति कैसे हुई जानेंगे आज इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे, जिसके कारण उनके संसाधन कम हो गए और उनके कई सिपाही भी उनको छोड़कर चले गए और हमीर सिंह अपने आदमियों को आराम देने और एकत्रित करने का इच्छा जाहिर की और आक्रमण को बंद करने का आवेदन दिया और सभी सैनिकों को साथ द्वारका की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और रास्ते में उन्हें गुजरात में चारों के खोर गांव में डेरा डाला, जहां एक देवी आई जिन्हें हम बीरवड़ी कहते हैं, जिन्हें हिंगलांज का अवतार भी माना जाता है। और हमीर सिंह ने उनसे आशीर्वाद की, प्रार्थना की और अपने चित्तौड़ पर आक्रमण की असफलताओं का वर्णन किया, जिस पर देवी ने उन्हें मेवाड़ लौटने और एक और हमले की तैयारी करने की सलाह दी। और हमीर सिंह ने जवाब दिया कि उसके पास अब एक और हमला करने के लिए सैनिक क्षमता नहीं है और देवी बिरवड़ी ने उसे आश्वासन दिया कि उनका पुत्र बारूजी उसकी सहायता के लिए मेवाड़ आएगा। और इन शब्दों ने महाराणा हमीर सिंह को गहरी छाप छोड़ी, जो तुरंत केलवाड़ा लौट गए और साथ ही कुछ ही दिनों में बारूजी, जो घोड़ों के एक धनी व्यापारी थे और अपने 500 घोड़ों के एक बड़े अरवा के साथ केलवाड़ा पहुंचा, जहां हमीर सिंह ने डेरा डाला था और अपने शासन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता में मालदेव ने राणा हमीर सिंह के साथ अपनी बेटी सोंगारी की शादी की और राणा हमीर सिंह के साथ अपनी बेटी सोंगारी की शादी की व्यवस्था की, जो कि यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं आया और उसने मालदेव से चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और उसे मेहरता दे दिया। और इसने हमीर को मेवाड़ से खिलजी की सेना को खदेड़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और हमीर सिंह और उनके चारण सहयोगियों ने हमला किया और वह चित्तौड़गढ़ हासिल करने में सफल रहे। और साथ ही चित्तौड़गढ़ पर सफलतापूर्वक विजय करने के बाद राणा हमीर सिंह ने बारूजी की समय पर सैन्य सहायता के लिए उन्हें मेवाड़ साम्राज्य का पद प्रदान कर दिया, जो उनके भावी पीढ़ी के वंशजों को उत्तराधिकार में मिला था। जब हमीर सिंह का शासन चित्तौड़गढ़ में हो गया था, तब उन्होंने बीरवड़ी जी को वहां आमंत्रित किया और उन्हें बहुत सम्मान और आदर से किले में स्वागत किया और महाराणा हमीर सिंह ने उनके सम्मान में चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया, जो आज भी कायम है और इसे अतरापुरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और राणा हमीर सिंह के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जो कि दोनों के बीच सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है, जिसमें हमीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया और वर्तमान में सिंगोली नामक स्थान उदयपुर में स्थित है। और इस युद्ध के बाद मेवाड़ में राणा हमीर सिंह के दिन सामान्य रहे और कुछ समय बाद सन 1364 में इनकी मृत्यु हो गई। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो के